फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो एमएससी स्टूडेंट के लिए है। तो इसका इंट्रोडक्शन से है, क्रोमेटोग्राफी एक टाइप की पृथक्करण टेक्निक है, मतलब एक तरह की तकनीक है जिसके द्वारा किसी मिश्रण में उपस्थित निकट संबंधी यौगिकों को पृथक किया जाता है, भले ही वे सूक्ष्म, कम या अधिक मात्रा में क्यों न हो। यह एक अविनाशकारी विधि है। इस टेक्निक की खोज सर्वप्रथम पोलैंड के बोटनिकल शास्त्री मिशेल ट्विस्ट ने 1906 में वर्सा में की है। इसकी डेफिनेशन, दो प्रावस्थाओं के मध्य साम्य वितरण द्वारा घटकों के किसी मिश्रण से विभिन्न घटकों को व्यक्तित रूप से पृथक करने की विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था एक कांच अथवा धातु की नली में भरी होती है तथा इस नली से गतिमान प्रावस्था को चलाया जाता है। यह नली 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास वाला होता है। इस नली में 50 से 100 ग्राम तक अधिशोषण आ जाता है, जो कई ग्राम अधिशोष को रोक सकता है। अधिशोषक को सहारा देने के लिए रुई अथवा ग्लास कूल का प्रयोग किया जाता है। सैंपल को गतिमान प्रावस्था को गति नली में धीरे धीरे परंतु एक स्थिर गति नली के ऊपर से इसे छोड़ा जाता है। सैंपल एक गतिमान प्रावस्था को नली में धीरे धीरे परंतु एक स्थिर गति से चलाना चाहिए। सैंपल में उपस्थित विभिन्न पदार्थ नली में विभिन्न दर से चलते हैं। ये पदार्थ यदि रंगीन होते हैं तो नली के अंत में एक के बाद एक निकलते दिखाई देते हैं, जिन्हें एकत्रित किया जाता है। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।